हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सिंपी. वेलकम टू माय चैनल विच इज लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी. टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंटिंग ए टॉपिक विच इज एलिमिनेशन रिएक्शन. इन दिस टॉपिक आई विल ब्रीफ अबाउट व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स एलिमिनेट द ग्रुप. एलिमिनेट मतलब रिमूव करना ग्रुप. रिमूव करेंगे देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. सो इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर जनरली एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इसका क्या मतलब है कि जब दो कार्बन होते हैं उसके बीच में अगर मान लो हम ग्रुप जो है एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करते हैं तो क्या होता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. व्हाई इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हाई इट इज नोन एज 1-2 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस देयर इज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन. If there is a removal of group from the same carbon, then it is known as alpha elimination. This is the difference between beta elimination reaction and alpha elimination reaction. Alpha elimination reaction में क्या होगा, जो carbon और जो group of atoms are removed होंगे वो the same carbon. And in case of beta elimination, removal of group take place from the adjacent carbon. इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू सिग्मा बॉन्ड आर ब्रेकन एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड. इसमें क्या होता है, दो जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं. जैसे सी और एच के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड. सी एंड बी आर इज ऑल्सो सिगमेंट बॉन्ड. ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकअप होंगे और देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 5 बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज E1 रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज E2 रिएक्शन. E1 मीन्स एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, E2 means elimination bimolecular. Same as that of SN1 and SN2 reaction. SN1 is known as nucleophilic substitution unimolecular and SN2 is nucleophilic substitution bimolecular. Elimination reaction भी क्या होंगी, same वैसे ही E1 and E2 reaction. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं दिस वन. दिस इज एन, मैंने जैसे बताया ये क्या है, बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन. क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, टू एडजेसेंट कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें क्या होगा, 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और जो ये हाइड्रोजन और Br जो है ये क्या होंगे, रिमूव होंगे. तो हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और Br क्या होगा, नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा. तो H Br निकल जाएगा एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. बट इफ दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, वी हैव टेकन द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देर इज OH एंड H. इट कम्बाइन एंड इज फॉर्म वॉटर एंड Br एंड K. इट कम्बाइन एंड इट फॉर्म KBr एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन C एंड C. सो दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म इन द एलिमिनेशन रिएक्शन. अब मैंने जैसे बताया ये दो टाइप की होती है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन. ये तो हुई बीटा एलिमिनेशन. अल्फा एलिमिनेशन क्या होगा, जिसमें सेम कार्बन, जैसे CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म. इन दिस केस व्हेन बेस रिएक्ट इट रिमूव द बोथ द हाइड्रोजन एज वेल एज Cl ग्रुप फ्रॉम द सेम कार्बन, बिकॉज इन दिस केस CH एंड CL CL CL, देर इज रिमूवल ऑफ H एज वेल एज Cl. H एंड OH कम्बाइन एंड इट फॉर्म वॉटर, Cl नेगेटिव एंड CCl2 प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमिनेटिंग ग्रुप विच पोजिशन इट विल रिमूव, इट इज ऑफ टू टाइप विच इज अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन. एंड द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू टाइप विच इज E1 एंड E2 रिएक्शन. E1 रिएक्शन मीन्स एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो इट इज नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. इट इज सेम एज दैट ऑफ द SN1 रिएक्शन. इन SN1 रिएक्शन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बोकटायन एंड इन E1 एलिमिनेशन देर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकटायन. सो ड्यूरिंग इट इज ए 2-स्टेप प्रोसेस. एलिमिनेशन जैसे SN1 रिएक्शन था वो भी 2-स्टेप प्रोसेस था. सो E1 रिएक्शन इज ऑल्सो ऑफ ए 2-स्टेप प्रोसेस. इन फर्स्ट स्टेप देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकटायन.
एंड इन द सेकेंड स्टेप इन डी प्रोटोनेशन प्रोटोन इज लॉस्ट बाय द कार्बोकटायन. सो वी नो दैट स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग साइज. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप. सो इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. हैंस द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट विच इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज ए कार्बोकटायन. सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एग्जाम्पल जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखिए अब इसमें क्या होगा. सी आर आर दिस आर द आर इज एल्काइल ग्रुप. सी आर आर एंड एच एंड एक्स इज हेलोजन ग्रुप. फर्दर फर्स्टली क्या होगा जो ये एक्स होगा वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स नेगेटिव एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. इन द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस इट एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ईवन रिएक्शन. अब जैसे मैंने बताया ईवन मैकेनिज्म शेयर द फीचर ऑफ द SN1 रिएक्शन. इनिशियल स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकटायन इंटरमीडिएट थ्रू द लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप. या लिविंग ग्रुप क्या था एक्स. एक्स रिमूव हुआ एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकटायन एंड इट इज द स्लोएस्ट स्टेप. सो इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सिमिलरली इन E2 रिएक्शन E2 मीन्स एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज द एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस. सो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन. द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द एलिमिनेटिंग एजेंट एंड द सबस्ट्रेट. इट एग्जिस्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक. जैसे मैंने बताया ये क्या होगी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होगा. इसका एक एग्जाम्पल देखें हम. जैसे SN2 रिएक्शन में क्या था देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. सेम एज E2 रिएक्शन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट. इन दिस केस फर्स्टली बेस जो होगा एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटोन एंड दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टू बिटवीन C एंड इट फॉर्म पाई बॉन्ड एंड देर इज ए ट्रांजिशन इन विच देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन B एंड H मीन्स बेस एंड हाइड्रोजन एंड देर इज ए बॉन्ड ब्रोकन बिटवीन C एंड X. सो दिस इज द पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज पार्शियल बॉन्ड ब्रोकन. क्यों ये जो हमने डॉटेड लाइन में दिखाया ये क्या हो रहा है पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन बी एंड एच एंड देर इज ए पार्शियल बॉन्ड ब्रोकन बिटवीन सी एंड एक्स एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. सो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड सी ए बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन एंड एक्स नेगेटिव विच इज अ लिविंग ग्रुप रिमूव फ्रॉम द कार्बन हाइड्रोजन एटम. So rate of reaction depend upon the concentration of both which is alkyl halide as well as base. So it is a second order reaction. And so the reaction rate depend upon Rx and base involved. In the elimination reaction the major product form is the most stable alkene. The most stable alkene hogi means most substituted alkene is a major product. In this I also discuss Sage's rules which is if the dehydrogenation means removal of hydrogen. Removal of proton and halogen. So dehydrohalogenation. If the dehydrohalogenation means removal of proton and halogen of alkyl halide can yield more than one alkene. अगर हमें क्या मिले more than one alkene मिलेगा then according to Sage's rule the main product is most highly substituted alkene. जो most substituted alkene होगा वो क्या होगा major product होगा. For example in this case there is methyl group CHH सी मिथाइल बी आर सी एच एच एच. इन दिस केस देर इज टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर होम आइदर रिमूवल ऑफ दिस प्रोटोन और रिमूवल ऑफ दिस प्रोटोन. इफ वी रिमूव दिस प्रोटोन देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी. इन दिस केस देयर इफ वी रिमूव दिस प्रोटोन देन सी डबल बॉन्ड सी देयर. सो इन दिस केस वन मेथिल ग्रुप एंड दो CH बॉन्ड बट इन दिस केस देर इज मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल एंड दिस. तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा होगा इफ वी रिमूव फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड. इफ वी काउंट 1, 2 एंड 3 देन 1, 2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा. सो इट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड 2, 3 के बीच में जो बनेगा 2 एंड 3 वो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज 2-methyl-but-2-ene एंड द माइनर प्रोडक्ट इज 2-methyl-but-1-ene. सो अकॉर्डिंग टू Sage's रूल द मेन प्रोडक्ट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल एल्कीन विच इज 2-methyl-but-2-ene रादर देन डाई सब्स्टिट्यूटिव विच इज 2-methyl-but-1-ene. दिस इज ए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा. ये क्या होगा बाई सब्स्टिट्यूटेड तो इट इज ए माइनर प्रोडक्ट. ओके
तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ये क्या होगा, देखो मोनो सब्सटीट्यूटेड है तो कम स्टेबल होगा, डाई सब्सटीट्यूटेड और ज्यादा, ट्राई उससे ज्यादा, और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन टेक प्लेस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द E1 एंड E2 मैकेनिज्म. E1 मैकेनिज्म इज नोन एज यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 इज बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन सबस्टेट, इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट एंड द बेस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इन E1 एलिमिनेशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन सो देयर इज नो बैरियर बिटवीन E2 एलिमिनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट. In case of E1 elimination, there is no requirement of a stronger base because rate of reaction depend upon the concentration of only substrate. But in E2 elimination, there is a requirement of a strong base. Stereochemistry, no requirement because in this there is a formation of carbocation and then leaving group remove and there is a formation of double bond. But remove in this case there is a stereochemistry. देखें तो क्या होगा? वो होगा इन्वर्जन हो जाएगा. जैसे लिविंग ग्रुप बस में एंटी टू हाइड्रोजन रिमूव, जो लिविंग ग्रुप रिमूव होगा वो क्या होगा? एंटी टू हाइड्रोजन रिमूव. सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड विच इज एलिमिनेशन रिएक्शन. होप यू एंजॉय दिस टॉपिक. थैंक यू.